हाय गाइस, वेलकम टू अ बैक माय चैनल सिंपल फूडी स्नेहा। आप सभी लोग कैसे हैं कमेंट करके बताना। मैं भी अच्छी हूँ। ये जन्माष्टमी का व्लॉग था जो मैंने अभी एडिट किया हुआ है, क्योंकि ये वीडियो मुझे एडिट करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के पास बहुत लेट आएगी। मैंने जन्माष्टमी 31 अगस्त को मनाई हुई थी, हम लोग की साइड में 31 अगस्त को ही मनाई गई थी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी में मैं फास्ट रहती हूँ गाइस। हर बार की तरह इस बार भी मैंने जन्माष्टमी पे अपने घर पे ये छोटी सी झांकी बनाई हुई थी, जो कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। इस झांकी में जितनी भी चीज़ें हैं सब होममेड है, जो मैंने अपने हाथों से बनाई हुई है। कुछ इस बार मैंने बनाई थी और कुछ लास्ट ईयर की मेरे पास रखी हुई थी। जितनी भी चीज़ें जब मैं जन्माष्टमी की डेकोरेशन के लिए रेडी करती हूँ, वो सब मैं एक बॉक्स में रख देती हूँ, जिससे कि मैं उसे फिर से यूज़ कर सकूँ। ये कृष्ण भगवान का कारागार है जो मैंने बनाया हुआ था। ये हांडी है जिसमें माखन रखा हुआ है। ये झूला है जो मैंने बनाया हुआ था। ये जो गार्डन है, यहाँ पर बहुत सारे एनिमल हैं, ये सारे टॉयज हैं। ये राधा कृष्ण जो मैंने टॉय से बनाया हुआ था, डॉल से। इस डॉल को मैंने लास्ट ईयर रेडी किया हुआ था, उसके सारे कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी जो मैंने इस बार भी यूज़ किया हुआ है। ये जो आप लोग ये कुआं देख रहे हैं, इस बार मैंने रेडी किया हुआ था। और ये वाला यशोदा माता का जो घर है, ये भी इस बार मैंने बनाया हुआ था। ये थी जहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल को रखा हुआ था। जो सिंहासन है वो भी मैंने अपने हाथ से ही बनाया हुआ था। ये मैंने छोटा सा लड्डू गोपाल के लिए बेड बनाया हुआ था होममेड। ये गौशाला थी जहाँ पे कृष्ण भगवान की गाय रहती हैं और कृष्ण भगवान थे खड़े हुए। ये यशोदा माता के आंगन में तुलसी मैंने लगाई हुई है जो पूजा करने जा रही हैं। यहाँ पे एक मैंने प्लांट टाइप का बनाया हुआ था जो पेन स्टैंड का यूज़ करके। यहाँ पे मैंने कुएं के पास एक बैलगाड़ी को रखा हुआ था। ये ओखली थी, ओखली में जिस पे यशोदा माता काम कर रही थी। ये सारी डेकोरेशन मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी, आप लोग को कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। कारागार में जो कंस होता है वो जाता है, देव भगवान से बोलता है कि मुझे कृष्ण को दे दो। और ये मैंने जो गार्डन बनाया हुआ था उसमें पूतना है और बहुत सारे एनिमल, एलिफेंट, जिराफ, बहुत सारे एनिमल थे। ये वासुदेव थे जो कृष्ण भगवान को कारागार से यमुना नदी के उस पार ले जा रहे थे। गाइज, ये नाइट का व्यू था, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। ये जो लड्डू गोपाल दिख रहे हैं, ये सब होममेड हैं, जो मैंने कार्डबोर्ड का यूज़ करके बनाया हुआ है अपने हाथों से। इसमें जितनी भी चीज़ें यूज़ हुई हैं सब होममेड ही है, जो मैंने रेडी की हुई हैं। ये गौशाला, कृष्ण भगवान, सभी चीज़ें। ये झांकी आप लोगों को कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना। चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, जिससे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ये नाइट की वीडियो है और नाइट की वीडियो में लाइट थोड़ा कम रहती है, तभी वो देखने में और ज़्यादा अच्छा लगता है। नाइट के टाइम पे इसमें मैंने लाइटिंग डाली हुई थी पूरी झांकी में, सारी मतलब जो भी थी सब में मैंने लाइटिंग की हुई थी। मैंने साइड में कृष्ण भगवान को एक थर्माकोल में वाटर भर के रखा हुआ था, जिसमें कृष्ण भगवान शेषनाग से जब उनकी बॉल चली जाती है तो वो उसमें वो उनसे लड़ाई करते हैं। इसके बाद पूजा का टाइम हो जाता है तो हम लोग पूजा करने की प्रिपरेशन करते हैं। सारी ये मैंने लड्डू गोपाल की ड्रेस और उनकी सारी ज्वेलरी, हेयर, बांसुरी मैंने सब लाई हुई थी। ये लड्डू गोपाल की ड्रेस, ज्वेलरी सेट कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। मुझे तो देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान करवाएंगे। स्नान दही, शहद और गंगा जल
दूध का यूज करके कृष्ण भगवान को स्नान करवाते हैं। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद उनको नई ड्रेस पहनाते हैं। ये रहे लड्डू गोपाल जो न्यू ड्रेस पहन लिए। इसके बाद इनका मेकअप होगा। पहले ज्वेलरी पहनाएंगे सारी जो लड्डू गोपाल के लिए मैंने लाई हुई थी। ये लड्डू गोपाल की ड्रेस में पीछे उनकी ड्रेस को पिनअप करने के लिए जो पिन लगी हुई थी ये बहुत बड़ी थी, इसलिए अच्छी नहीं लग रही थी, इसको इग्नोर कीजिए। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल रेडी हो गई हैं। रेडी होके सबसे पहले लड्डू गोपाल को हम लोग झूला झुलाते हैं। झूला झुलाने के बाद लड्डू को पूजा होने में लड्डू गोपाल की सभी लोग आरती करते हैं। आरती हो जाने के बाद लड्डू गोपाल को प्रसाद चढ़ाया जाता है, भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद सभी को प्रसाद दिया जाता है। ये जो लड्डू गोपाल का झूला है, मैंने इस बार झूला लड्डू गोपाल का खरीदा हुआ था, पहले से डेकोरेट की हुई थी। ये जानकी आप लोगों को कैसी लगी पूजा, कैसी लगी कमेंट करके बताना। जो चैनल बनी हुई चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की बटन को प्रेस करना, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। थैंक दिस वॉचिंग माई वीडियो। बाय।